बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही ज्यादा। ऐसा सोचा था हमने सबने लिए थे 50, 100, 150, 200 तो, लेकिन आज वो दिन आ गया है, हमारे 100 एपिसोड्स हो गए हैं। सबको जाता है जो यहाँ पूरी टीम है, उनको भी जो अभी यहाँ पर नहीं है, कामों में व्यस्त है, उन्हें भी जाता है। एंड आज ही कुछ ऐसे बात हो रही थी, जब तक चलेगा बहुत अच्छी बात है, और जब जब भी जाएगा कोई बात नहीं, पर दिल करता है कि ये ऑफ एयर जाएगा ये शो। सीरियस दिल की बात है ये, आई मीन ये हम हमारे पूरे एक्टर्स, हमारे डायरेक्टर्स, हमारे सारी जो भी टीम है, राजन जी भी नहीं चाहते भले हम तो कितना दुखी कर रहे हैं, गारंटी की मतलब दुख होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सच में अपना घर जैसा बन चुका है। कमाल की टीम है, कमाल की यूनिट है, लगते नहीं कि हम काम पर आ रहे हैं। बस थैंक यू सर, मेरी साइलेंस पे इज द ओनली इंटेलिजेंट पर्सन हुज अंडरस्टूड कि मैं कितना कुछ कह गया उन दो लम्हों में, और दिल से कह गया, इसलिए कह गया कि वाकई ये बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए, बहुत नियामत का दिन है कि 100 एपिसोड पूरे हुए, भगवान करे। बहुत दिनों तक ये परिवार यूं ही एक दूसरे के साथ प्यार के साथ बढ़ता रहे, इसमें जैसा इन्होंने कहा श्रेय सबका है, और वाकई सबका है, क्योंकि मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज किसी एक से नहीं बनती, इट्स अ कलेक्टिव जॉब, इट्स एवरीबडीज एफर्ट, एवरीबडीज लव, एवरीबडीज सिंसियरिटी, एवरीबडीज योगदान। तो हम सब इसमें स्टार्स हैं, हम सब इसमें इन्वॉल्व हैं, और हम सब की दुआएं, नियत सब अच्छी है, इसीलिए बहुत अच्छा शो बन रहा है। एंड आई प्रे टू गॉड के इट गोज ऑन मेरे लिए ना सही, मेरे प्रोड्यूसर्स के लिए गोज ऑन। All the best, and let's rock it! Yeah! आज मैं ये बोलेगा। मेरा अपना मानना है कि जिस तरह से माँ के हाथ से बने खाने की अपनी खुशबू होती है, उस तरह से हर उस घर की खुशबू होती है जहाँ पैदा होते हैं, जहाँ पलते बढ़ते हैं। हमारे घर की खुशबू जो है मेहंदी, ये मेहंदी रंग लाने में थोड़ा समय लगती है, लेकिन एक बार जब रंग लाती है तो अपने रंग में सबको रंग देती है। आज पहला हमने 100 एपिसोड का पड़ाव पार किया है, धीरे धीरे 100, 200, 300, 400, 500 लोग तक हो रहे हैं, तो बस इसी उम्मीद पे लग गया है। जय श्री राम। इतना तो है एक दिन, मतलब ये तो जीवन का एक है कि कभी ना कहीं जा करके जीवन रुकेगा, चलेगा, लेकिन फिर भी मैं बस प्रोड्यूसर्स को के लिए जो सुमित्र अभी यहाँ पर नहीं है, मैं कहना चाहूंगी कि हमेशा से इच्छा रही कि इस प्रोडक्शन हाउस में काम करो, क्योंकि बहुत मजा आता है, घर जैसा लगता है। तो ईश्वर करे आप लोग और शोज बनाते रहो, और कहीं ना कहीं फिर से सब जुड़े, बस यही हमारी दुआ। और मैं चाहूंगा कि हमारे डायरेक्टर आगे दो शब्द अपने आज तो बोलना पड़ेगा, 100 एपिसोड आपकी वजह से होने आज देखो आजा पाजी आजा, इसको बोलना मैं कुछ भी बोल बोलो अपने, मैं आता हूं रूम में आपको आराम से, मैं नहीं बोलता, मेरा काम बोलता है। मैं कह रहे थे अरे आप छोड़ो, आप मैं बोलता हूं,
दो मिनट देखना बहुत जबरदस्त बोलने वाला पूरी रात मेहनत की है लिखा है जिस तरह माँ के हाथ से बने खाने की एक जानी पहचानी सी खुशबू होती है उसी तरह उस घर की भी एक खुशबू होती है जहाँ हम पले बड़े होते हैं हमारे घर की वो खुशबू मेहंदी की खुशबू है जो लाल रंग लाती है बाकी आप पढ़ो आपने लिखा हुआ है पढ़ दिया है एक और जो बहुत इंग्लिश में है वो मैं जाऊंगा सब सारे कलाकार थोड़ी सी अजीब करने की कोशिश करते हैं सारे आ जाइए सब कलाकार जो है वो आगे आ जाइए बंडी तुम भी तुम कलाकार भी हो इंग्लिश में तो लिखा था अरे दादा आप ही करो हम नहीं करे This is my true feeling. Working hard towards our goals and achieving the target gives feelings. And sab chahiye properly comma full stop sab diya nahi. Today feeling like a proud and gratified. Our last taliya. Sir, aaiye na harsh. जय सर जय जय हम कलाकार अरे 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 पहले एक गाड़ी करते फिर से आउट करो फिर से आउट करो प्रशांत की दूसरी चीज आ जाएगी सर प्लीज आ जाइए सर नहीं हुआ बाकी है वो कह रहे करने दे चुपचाप ठीक है मैं वो करने दे सीनियर सिटीजन लोग आइए प्लीज बैठे भी कोई सुन नहीं रहा है तो बहुत गलत बात जानते हैं सर आइए आप रह जाइए हम आपकी कितनी सुनते हैं भाई किसकी हाइट करो प्लीज आगे आ जाओ अच्छे सबसे पीछे रहेगा वाली माता तेरी सदाई जय माँ सौ दे हजार करामी तेरी सदाई बत्ती ऊपर नीचे चलो सारे एक साथ फूंक मारेंगे सब भी आप लोग भी मारिए फूंक सबके बराबर 1 2 3 कांग्रेचुलेशन फॉर 100 एपिसोड्स एक एक मुंडी सबको जानी चाहिए